अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मावा बनाने की रेसिपी। मावा कहें या खोया कहें, इसे घर में कैसे बना ले आसानी से, चलिए देखते हैं। तो यहाँ मैंने हाफ लीटर दूध लिया है और इसमें जैसे ही बॉयल आ गई, आप देख सकते हैं बॉयल आ चुकी है इसमें, तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी फटाफट से घी। घी मैंने एक चम्मच लिया है, एक छोटे चम्मच से ले लें। यहाँ पर बड़ी चम्मच आपको दिख रही है लेकिन माप के मैंने इसमें एक छोटी चम्मच ही डाला था, तो एक छोटी चम्मच घी ले लें और या बटर ले लें आप, जो आपको आसानी से मिल जाए। और इसे डालने के बाद फटाफट से हम इसे मिला देंगे और इसे आप लगातार चलाते रहें, गाढ़े कर लें। इस टाइम पे आप चाहें तो मीडियम फ्लेम पे करें, लेकिन लास्ट स्टेज पे यहाँ देखें थोड़ी गाढ़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है, तो इस टाइम पे लास्ट टाइम पे बिल्कुल लो फ्लेम कर लेंगे और लगातार चलाते रहना है। जो भी किनारे इस तरीके से लग जाए इसे निकालते रहना है लगातार, और लगातार चलाएं लास्ट टाइम पे एकदम धीमे फ्लेम करके। और ये फटाफट से बन के तैयार हो जाएगी, थोड़ी टाइम लेगी लेकिन उतनी भी टाइम नहीं लेती है, फटाफट से बन जाती है। यहाँ देखिए गाढ़ी हो चुकी है, तो शुरू के टाइम पे आप मीडियम फ्लेम पे बनाए रखें दूध को और लास्ट टाइम पे बिल्कुल लो कर दे फ्लेम। यहाँ देखिए गाढ़ी हो चुकी है, बस इसी तरीके से चलाते रहना है, मिलाते रहना है और ये बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ देखें बहुत अच्छे से ये बनकर तैयार हो गई है। चलिए इसे मैं आपको एक प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। अब ये बनकर बिल्कुल तैयार है। इस टाइम पे मैं गैस को कर रही हूँ बंद।